नमस्कार। देखिए बच्चों, इन द लास्ट क्लास आई टोल्ड यू द लेसन विमेन्स रोल इन द नेशनल मोमेंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट लेसन। यू प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 57 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे। देखो बच्चों, ये नाम है पाठ का, देखेंगे आप। The civilization of today. This is the name of the lesson. ठीक है बच्चों? और जो writer है इसके, उसका नाम लिखा हुआ है C E M Jord. This is the name of the writer of the lesson. देखेंगे बच्चों? First and foremost, there are order and safety. First and foremost, there are order and safety. इसका मतलब ये हुआ कि the first and the foremost thing is that, यानी पहली तथा सर्व प्रमुख बात यह है कि there are order and safety, यानी हमारे समाज में order माने व्यवस्था एंड सेफ्टी मानी सुरक्षा का माहौल है। दिस इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग। आज की जो तहजीब या आज की जो बच्चों सभ्यता है, उसकी सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात यह है कि समाज में ऑर्डर एंड सेफ्टी, यानी समाज में व्यवस्था और सुरक्षा कायम है। समाज में व्यवस्था और सुरक्षा कायम है, यह वर्तमान सभ्यता की फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, यानी पहली और सर्व प्रमुख बात है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन। इफ टुडे आई हैव ए क्वारल विद एनी अनदर मैन, अगर आज मैं झगड़ा करता हूं किसी अन्य व्यक्ति से। इफ टुडे आई हैव ए क्वारल विद अनदर मैन, अगर आज मैं किसी अन्य व्यक्ति से झगड़ा करता हूं, आई डू नॉट गेट बीटन, तो मेरी पिटाई नहीं होती है। I am not defeated, I am not given a very good dressing, अर्थात मेरी जमकर धुनाई या जमकर पिटाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है, merely because माने सिर्फ इसलिए नहीं होती है, because I am physically weaker, कि मैं शारीरिक दृष्टि से कमजोर हूं, and he can knock me down, और वो मुझे दबोच सकता है, या he can defeat me, अर्थात वह मुझे परास्त कर सकता है। दरअसल बच्चों, इस पंक्ति का मतलब यह है कि आज समाज में order and safety माने व्यवस्था और सुरक्षा कायम है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ टुडे, और वर्तमान या जो आज की तहजीब या आज की जो सभ्यता है, ये इसकी सबसे पहली तथा सबसे खास बात। अब आगे वाली पंक्ति में बच्चों ये लिखा हुआ है जी, टुडे इफ आई हैव ए क्वारल विद एनी अनदर पर्सन, अगर आज किसी भी अन्य व्यक्ति से मेरा झगड़ा होता है, या आज अगर किसी भी अन्य व्यक्ति से मैं झगड़ता हूं, देन आई एम नॉट बीटन मेयरली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी पिटाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं। इसका मतलब बच्चों यह है, एक जमाना ऐसा था तब इस समाज के अंदर माइट इज राइट माने जिसकी लाठी उसकी भैंस का बोलबाला हुआ करता था, वह व्यक्ति जो फिजिकली पावरफुल होता था, वह व्यक्ति जो शारीरिक दृष्टि से अधिक ताकतवर होता था, ही कुड डिफीट और ही कुड नॉक डाउन दोज हु वर फिजिकली वीकर देन हिम, यानी वो क्या करता था, वह उन व्यक्तियों को पीट सकता था, उनको अक्सर पीट दिया करता था जो शारीरिक दृष्टि से उससे कमजोर हुआ करते थे। लेकिन आज बच्चों माइट इज राइट की जो कहावत है उसको उल्टा कर दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को उल्टा कर दिया गया है। अब कह दिया गया है राइट इज माइट। राइट इज माइट का मतलब यह हुआ कि द प्लेस ऑफ माइट इज बीन टेकन बाय राइट टूडे। इसका मतलब यह है कि आज जो माइट है या जो ताकत है, उसकी जगह या उसके स्थान को आज राइट के द्वारा ले लिया गया है। जैसे बच्चों, एक महिला जो है किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री है, उनके पास राइट है, क्योंकि उनके पास राइट है इसलिए किसी भी माइट के द्वारा हम उनको परास्त नहीं कर सकते हैं। एक महिला जो किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री है,
मान लीजिए कि वह शारीरिक दृष्टि से इतनी ताकतवर नहीं है लेकिन उनके पास राइट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि राइट इज मोर इंपोर्टेंट देन माइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूडे, माने आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के संदर्भ में जो राइट या जो हक है या जो अधिकार है वह शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को अन्यथा यूं भी कह सकता हूं कि माइट हैज बीन रिप्लेस बाई राइट टूडे, माने आज माइट को, आज शक्ति को राइट के द्वारा अर्थात शक्ति को अधिकारों के द्वारा भी स्थापित कर दिया गया है या आज शक्ति का स्थान अधिकार ने ले लिया है। क्लियर है? आज अगर मेरा किसी भी अन्य व्यक्ति से झगड़ा होता है तो मेरी पिटाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है क्योंकि मैं शारीरिक दृष्टि से कमजोर हूं। अगर मैं शारीरिक दृष्टि से कमजोर हूं और इस वजह से अगर कोई आदमी मेरी पिटाई कर देता है तो मैं क्या करूंगा? मुझे संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। मुझे संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है अगर कोई मेरे अधिकार का हनन करता है। अगर कोई व्यक्ति मेरे अधिकार का हनन करता है तो आई मे गो टू द लॉ। आई मे गो टू द लॉ का मतलब मैं कानून की शरण में जा सकता हूं, मैं अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता हूं, मैं अदालत की द्वार खटखटा सकता हूं। आज इस समाज के अंदर जंगल राज नहीं है, आज इस समाज में गुंडागर्दी नहीं है, आज समाज में अमन है, आज समाज में चैन है। तो वर्तमान सभ्यता की सबसे खास, सबसे पहली और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि ऑर्डर एंड सेफ्टी इज बीइंग मेंटेन्ड। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था और सुरक्षा कायम है, व्यवस्था और सुरक्षा कायम है। यह आज की सभ्यता की प्रथम तथा प्रमुख बात यही है। इफ टुडे आई वे कोरल विद अनदर मैन, अगर आज किसी अन्य व्यक्ति से मेरी लड़ाई होती है, आई डू नॉट गेट बीटन, अर्थात मेरी पिटाई नहीं होती है मेरे लिए बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर। पहले क्या होता था बच्चों, किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीटा जा सकता था क्योंकि वह आपसे कमजोर है। आपसे कमजोर होना उसका इतना बड़ा गुनाह था कि उसे आपके द्वारा कभी भी पीटा जा सकता था। लेकिन आज अगर कोई व्यक्ति आपसे शारीरिक दृष्टि से कमजोर है तो सिर्फ इस वजह से आप उसकी पिटाई नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो वह अदालत के द्वार खटखटाएगा और फिर क्या होगा, यू शैल बी ट्राइड देन, फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, फिर तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा। और अगर आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो फिर क्या होगा, अगर जज ने आपकी सजा कर दी, आपको कन्विक्ट कर दिया, तो यू मे बी इम्प्रिजन्ड, अर्थात आपको जेल में डाला जा सकता है या विधि के द्वारा स्थापित कोई अन्य दंड विधान जो है उसके द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। इसलिए आई डू नॉट गेट बीटन मेयरली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर। ये बहुत अच्छी बात है कि आज किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पीटा जा सकता है कि वह आपसे कमजोर है। कमजोर होना कोई कमजोरी नहीं है, कमजोर होना कोई गुनाह नहीं है। कोई विकलांग है, आपको भगवान ने दो टाइयां दी है, सामने वाले की एक ईयर, आपने उसको पीट दिया। पहले ऐसा हो सकता था जब जो है समाज के अंदर क्या नहीं थी, व्यवस्था और सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब जो है जनता की सरकार है, जनता के द्वारा और जनता के लिए, तो हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के अंदर, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए आज क्या है कि किसी व्यक्ति को हम सिर्फ इसलिए नहीं पीट सकते हैं क्योंकि वह शारीरिक दृष्टि से अशक्त है, अगर वह कमजोर है, अगर वह रोगी है, अगर वह महिला है। बच्चों आप तो जानते हो कि विमेन आर फिजिकली वीकर देन मैन, महिलाएं शारीरिक दृष्टि से पुरुषों से कमजोर होती है। लेकिन जब वही महिला कलेक्टरनी बन के आती है बच्चों, कलेक्टर बन के आती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के आती है, तब क्या होता है, तब जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं उस एरिया के, वो उनको सल्यूट करते हैं। एसपी साहब उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, वो भी उनको सल्यूट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बताइए ताकत की जरूरत कहां पड़ी, ताकत की नहीं, उनके पास हक है, उनके पास अधिकार होते हैं। तो आज समाज के अंदर व्यवस्था कायम है और किसी व्यक्ति की सिर्फ इसलिए पिटाई की नहीं जा सकती है कि वह कमजोर है अथवा अशक्त है। एंड ही कैन नॉक मी डाउन, और वह मुझे पीट सकता है, ही कैन डिफीट मी, वह मुझे परास्त कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आज अगर किसी व्यक्ति से मेरा झगड़ा होता है तो वह सिर्फ इसलिए मुझे नहीं पीट सकता है क्योंकि मैं शारीरिक दृष्टि से कमजोर हूं, और वह मुझे पीट सकता है सिर्फ इस वजह से जो है आई कैन नॉट बी बीटन, अर्थात मेरी पिटाई नहीं की जा सकती। आई गो टू लॉ, अगर वो ऐसा करेगा तो आप मैं क्या करूंगा, आई विल फाइल ए शूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, आई विल फाइल ए शूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, अर्थात मैं विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध क्या करूंगा बच्चों, मैं विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध वाद दायर करूंगा। कहने में बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई पीटता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, न्यायालय की जाके शरण ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत राय ये दूंगा, आपको अध्यापक होने के नाते मैं आपको जीवन के एक असल सत्य से अवगत कराना चाहूंगा, और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यह राय दूंगा कि जहां तक संभव हो बच्चों, अभी तो आप छोटे हैं,
अभी तो आप छोटे हैं, आप बड़े होंगे और आपके जीवन में ऐसे कई मोड आएंगे जब आप आवेश में आएंगे और आपसे किसी की लड़ाई झगड़ा होगा और आप सीधे क्या करेंगे, आप थाने में पहुंच गए, थाने में पहुंचोगे, अदालत में पहुंचोगे, क्योंकि आपको हम ये सिखा रहे हैं, आपकी गलती थोड़ी है, हम ही तो आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके ऊपर कोई जुल्म या कोई अत्याचार होता है तो आप कहां जाइए, आप अदालत में जाइए, आप थाने में जाइए। जब आपका गुरु आपका अध्यापक आपको ये सिखा रहा है और अगर आप उस रास्ते को अख्तियार करेंगे तो आप कोई गुनाह करेंगे भी नहीं। परंतु बच्चों आप जानते हैं कि ये संसार थोड़ा अलग है, इसमें कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। जब हम आपको कहते हैं कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, जब हम आपको कहते हैं कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, और बच्चों जब छोटा बच्चा सत्य बोलता है, पड़ोसी आकर के उसे कहता है साहब आपकी कुदाली दे दो, और हम कहते हैं कि साहब हमारी तो कुदाली नहीं है क्योंकि हमें उस पड़ोसी को देनी नहीं है, लेकिन हमारा छोटा सा बच्चा आगे कहता नहीं नहीं वो तो पीछे पड़ी हुई है, और उसके बाद में हमें वो कुदाली उसको देनी पड़ती है, तथा हम बच्चे को डांट पिलाते हैं कि देखो कैसा बेवकूफ है हमारा, हमने तो बोला था उसके बावजूद इसने आकर के पूरी बोल खोल दी। एक्चुअली उस बच्चे की क्या गलती थी, हमने उसको संस्कार सत्य बोलने के दिए थे तो सत्य बोल रहा था, परंतु उसको वहां सत्य बोलना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम किताबों में जो सीखते हैं वो एक पढ़ाई है, और उसके बाद बच्चों संसार रूपी किताब के अंदर जब जाकर के हम दूसरी चीज देखते हैं तो वो भी एक पढ़ाई है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किताब की पढ़ाई और दुनिया की पढ़ाई में तालमेल नहीं होता है, और वहां आपको तालमेल बैठाना पड़ता है, क्योंकि संसार भी अपने आप में एक किताब है। वर्ल्ड इज ऑल्सो ए बुक इन इट सेल्फ, द वर्ल्ड इज ऑल्सो ए बुक इन इट सेल्फ, संसार भी अपने आप के अंदर एक किताब है, और वो किताब इस किताब से थोड़ी अलग है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब आप बड़े होंगे और जब भी छोटी मोटी बातें होंगी तो आपके पास इलाज होगा थाना, और आप थाने में पहुंचोगे। लेकिन बच्चों ये याद रखो कि थाने में न्याय नहीं होता है, न्यायालय में न्याय नहीं होता है। इसलिए हमारे एक बहुत बड़े कवि हैं डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक पंक्ति लिखी है कि न्यायालय में न्याय मांगने जब भी कोई, न्यायालय में दया मांगने जब भी कोई कर फैलाए, न्यायालय में दया मांगने जब भी कोई कर फैलाए, ऐसा लगे कसाई घर में बकरे की मां खेर मनाए। तात्पर्य यह है बच्चों, कहने में अच्छा लगता है कि न्यायालय की शरण ली जा सकती है, कहने में यह भी अच्छा लगता है कि थाने की शरण ली जा सकती है, लेकिन ऐसा कब करना चाहिए, जब पानी सर से गुजर जाए, जब कोई चारा न बचे तो, क्योंकि इस बात की संभावना है कि वो आपके साथ या तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो इतना डिलेड होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आपको जो न्याय मिलेगा वो इतना लेट मिलेगा कि हो सकता है तब आप, जब आपको न्याय मिले तब आप इस दुनिया में न रहो और आपकी फिर आने वाली संतति उसको न्याय मिले। इसलिए रास्ता ठीक नहीं है, और ज्यादा अच्छा रास्ता तो यह है कि हमें किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर भी अगर कोई कर रहा है तो हमें क्या है, बचाव करना चाहिए, फिर भी अगर कोई कर रहा है तो हमें दूसरे लोगों को साथ में लेकर के क्या करना चाहिए, आपसी समझाइश के द्वारा विवाद को सुलझाना चाहिए। फिर भी अगर कोई कर रहा है तब बच्चों बर्बादी का रास्ता अपनाना चाहिए। थाना एक बर्बादी का रास्ता है, न्यायालय भी एक बर्बादी का रास्ता है, जहां तक संभव हो इन रास्तों को अख्तियार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर एंड यू कैन नॉक मी डाउन, आई गो टू लॉ का मतलब होता है आई मे फाइल ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, अर्थात में विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ बात दायर कर सकता हूं, एंड द लॉ और बच्चों कानून ही विल डिसाइड, अर्थात कानून ही इस बात का फैसला करेगा, एज फेयरली, एज का मतलब यथा संभव है, न्यायोचित ढंग से, यथा संभव न्यायोचित ढंग से, एज इट कैन बी, यथा संभव न्यायोचित ढंग से, एज इट कैन, बिटवीन द टू ऑफिस, अर्थात हम दोनों पक्षकारों के मध्य, यथा संभव न्यायोचित रूप से न्यायालय ही फैसला करेगा। पर वो कब करेगा, वो तो तारीख देगा बच्चों, अदालतों में क्या मिलती है, तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो तारीखें मिलती रहेंगी और आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि लास्ट में बैठ के आप ये करोगे कि यार राजीनामा कर लेते हैं, क्या मतलब है, क्योंकि आप जानते हो या तो तारीखें तारीखें तारीखें, है ना, उम्र निकलती जाती है, और फिर उधर काले कोट वाले और मिलेंगे तो वो आपको, है ना, वो भी आपको मतलब क्या करेंगे, परेशान करेंगे। तो हम जो है, हमें क्या करना है, हमें लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं किसी, आई गो टू लॉ एंड द लॉ और कानून ही विल डिसाइड, अर्थात कानून ही फैसला करेगा, कानून ही निश्चय करेगा, एज फेयरली, एज का मतलब यथा संभव न्यायोचित रूप से, अर्थात एज फेयरली एज इट कैन, यानी यथा संभव न्यायोचित रूप से कानून ही फैसला करेगा, बिटवीन का मतलब बच्चों दो के बीच में होता है, बिटवीन टू ऑफिस, अर्थात हम दो पक्षकारों के मध्य, बिटवीन द टू पार्टीज, बिटवीन बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ अस, अर्थात हमारी जो दो पार्टीज या हमारी जो दो पक्षकार है, एक विपक्ष है, एक मैं खुद हूं, तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, तो हम दोनों के मध्य कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला वो व्यक्ति करेगा बच्चों जो जो एक्चुअली उस घटना का विटनेस नहीं है, उसके पास तो साक्ष्य लेके जाएंगे हम, और साक्ष्य कुछ सत्य, कुछ अच्छे होंगे, कुछ कूटरचित होंगे, और उनके आधार पर जो है वो बैठ के वहां फैसला करेगा। इसलिए उस फैसले को जो है हम अब माने हैं, उसके बजाय ज्यादा अच्छा ये है कि हमारा फैसला हम बैठ के स्वयं ही कर ले तो कितना अच्छा है। दस इन डिस्प्यूट्स, इस प्रकार से विवादों की स्थिति में बिटवीन मैन एंड मैन, मैन एंड मैन का मतलब होता है बच्चों
मैन एंड मैन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होने वाले जो डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद होते हैं। दस माने इस प्रकार इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन, इस प्रकार से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होने वाले विवादों में राइट इज टेकन द प्लेस ऑफ माइट। राइट ने माइट का स्थान ले लिया है, अधिकारों ने शक्ति का स्थान ले लिया है, या शक्ति को अधिकारों के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। माइट इज बीन रिप्लेस बाय राइट, माइट इज बीन रिप्लेस बाय राइट, अर्थात शक्ति को अधिकारों के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, अब ताकत से कुछ नहीं होता है। मैंने कल आपको कल की क्लास में उदाहरण दिया था कि खली क्या है, मोस्ट पावरफुल पर्सन। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है, खली नहीं है। ठीक है बच्चों, ये सच है कि शारीरिक दृष्टि से भले वो शक्तिशाली होगा, पर न जाने इतने, उससे भी न जाने कितने शक्तिशाली लोग हैं जो क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो है उनको सैल्यूट करते हैं। तो मोस्ट पावरफुल पर्सन कौन हुआ? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, जसोदा बेन जो है, कौन है वो? शी इज द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ इंडिया। वो भारत की सर्वाधिक सशक्त महिला है, है ना साहब? भारत की जो सर्वाधिक ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर महिला जो, उनको हम क्या, किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जसोदा बेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोर ओवर इसके अलावा द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रोबरी एंड वायलेंस। इसके अलावा द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रोबरी एंड वायलेंस का मतलब ये भी होता है बच्चों, कोई आदमी आए मेरे घर लूटपाट करके जाए, वायलेंस का मतलब कोई हिंसा करे, तो लूटपाट और हिंसा के विरुद्ध हमारी कौन रक्षा करता है? कहने को तो कानून ही करता है ना? तो दस इन दो बच्चों मोर ओवर माने इसके अलावा द लॉ प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम रोबरी एंड वायलेंस का मतलब ये होता है कि लॉ अर्थात जो कानून है वह मुझे लूटपाट और हिंसा से बचाता है, या जो कानून है वह लूटपाट तथा हिंसा से मेरी रक्षा करता है। नोबडी मे कम एंड ब्रेक इन टू माई हाउस। अब आप जानते हो बच्चों, पुलिस है हमारी सुरक्षा करती है, वह है ना, उसको हम आरक्षक कहते हैं, आरक्षी कहते हैं। तो पुलिस वालों के डर के कारण बच्चों क्या होता है कि नोबडी कैन कम, नोबडी कैन एंटर माई हाउस एंड ब्रेक, नोबडी कैन एंटर एंड ब्रेक इन टू माई हाउस। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कोई भी आदमी मेरे घर में घुस जाएगा और आकर के सेंध मार के चल जाएगा। आई बात समझे, क्या होता है बच्चों, नोबडी कैन एंटर, नोबडी कैन डायरेक्टली कम, नोबडी कैन डायरेक्टली कम एंड ब्रेक इन टू माई हाउस। बच्चों ब्रेक इन टू को अंडरलाइन करना, जिसका मतलब चोरी करने की नीयत से जाना, जिसे हिंदी में सेंध मारना कहते हैं, कि कोई भी आदमी आकर मेरे घर में सेंध लगा के चल जाए, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी मेरे घर में आकर के सेंध लगा करके नहीं जा सकता है, स्टील माई गुड्स नहीं चुरा सकता है। क्या नहीं चुरा सकता है? मेरा सामान नहीं चुरा सकता है, मेरा माल नहीं चुरा सकता है। समझ में आ रहा बच्चों, गुड्स का मतलब सामान भी होता है, और अगर सामान ठीक नहीं लगे तो आप इसे माल भी कह सकते हैं। तो कोई भी आदमी मेरा सामान या मेरा माल चुरा नहीं सकता, और रन ऑफ विद माई चिल्ड्रन। और आपको पता है बच्चों, आपने देखा ना वो रामायण में क्या हुआ, रावण आया इन द डिस्गाइज ऑफ ए सेज। रावण केम इन द डिस्गाइज ऑफ ए सेज, अर्थात रावण एक तपस्वी के या एक ऋषि के या एक साधु के छदम वेश में आया, आगे सीता को किडनैप किया, हाईजेक किया, विमान के अंदर बैठा करके ले गया। रन ऑफ का मतलब होता है किसी को लेकर के भाग जाना। तो बच्चों कोई भी आदमी आएगा, मेरे घर में घुसेगा, सेंध लगाएगा और मेरे टाबल टोलियों को या मेरे सामानों को, मेरे मालों को लेके जाएगा, मेरे टाबल टोलियों को लेके चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो जंगल राज में हुआ करता था। तो नोबडी कैन एंटर, ऐसे कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, ब्रेक इन टू माई हाउस, कोई भी मेरे घर में घुस करके सेंध नहीं मार सकता, स्टील माई गुड्स मेरा सामान या मेरे माल चुरा नहीं सकता है, और रन ऑफ विद माई चिल्ड्रन एंड ही कैन नॉट किडनेप, ही कैन नॉट हाईजैक माई चिल्ड्रन। तो मेरे बच्चों को उठा करके उनका अपहरण कर लेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो कम से कम बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम ऑर्डर और सेफ्टी तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ऑर्डर और सेफ्टी अर्थात व्यवस्था और सुरक्षा कायम है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये भी कोई कम बात नहीं है। ये सरकार कम से कम हमको क्या दे रही है, हमको व्यवस्था दे रही है, हमको सुरक्षा दे रही है, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। इसके इस बात के लिए हमें उस व्यवस्था का ऋणी होना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी अर्थात जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसका रेडी होना चाहिए। नहीं तो पहले अंग्रेज क्या करते थे बच्चों, अंग्रेज पकड़ते थे, मारते थे, है ना, हर किसी को जो है फांसी पर चढ़ाते थे। तो यहां आज कम से कम ऐसा तो नहीं कोई आपको पकड़ लेगा, जेल के अंदर ठोंस देगा। नो, दे कैन नॉट प्रिजन यू अनलेस दे हैव ट्राइड यू। वो आपको तब तक जेल में ले जाके नहीं डाल सकते हैं जब तक कि उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा न चलाया हो और मुकदमे के अंदर आपको दोषी करार नहीं दिया गया हो। ऐसे पुलिस को भी इतना पावर नहीं है कि आपको उठाएगी पुलिस में डाल दे, आपको उठाएगी और थाने में या कस्टडी में या हवालात में ले जाकर के डाल देंगी। इतना अधिकार तो पुलिस को भी प्राप्त नहीं है, बेवजह तो वो भी किसी का कुछ नहीं कर सकती है। तो ये भी कोई कम बात नहीं है, ये भी ठीक ठाक है। यहां तक भी हमें क्या होना चाहिए, इस व्यवस्था के प्रति ऋणी होना चाहिए, हमें इस व्यवस्था के प्रति ऋणी होना चाहिए। ऑफकोर्स यानी बेशक देर आर बर्गलर्स,
देखो बच्चों, आर को अंडरलाइन करना। आर यानी बच्चों आप सब जानते हो, आर यानी है होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तमाम भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। ऐसा तो नहीं बोला मैंने कि तमाम भारतीय मेरे भाई और बहन होते हैं, लेकिन बच्चों कई बार होते हैं भी बोलते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, इसका अनुवाद ये नहीं होगा जी गाय एक उपयोगी जानवर है। इसका अनुवाद ये है कि गाय एक उपयोगी जानवर होती है। होना, होना को अंग्रेजी में बोलते हैं बी, और बी का रूप है इज अमार और वाजवर। ठीक है, तो यहां बच्चों में कुछ ऐसा ही अनुवाद करने वाला हूं। ऑफकोर्स यानी बेशक देर आर बर्गलर्स, बेशक सेंधमार होते हैं, बेशक सेंधमार होते हैं। कई बार बच्चों हम कहते हैं कि आपने भूत देखा है, तो कोई कहता नहीं साहब हमने भूत नहीं देखा, तो भूत होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऑफकोर्स देर आर घोस्ट, बेशक भूत तो होते हैं, भूत भी होते हैं, ईश्वर भी होता है, क्या भगवान होता है? तो कोई कहता है साहब आपने ईश्वर को देखा है, जैसे ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं है, तो फिर क्या भगवान नहीं होता है? अगर भगवान नहीं होता है तो बच्चों फिर आप ये देखिए कि जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं, और बाद में उनके फल आते हैं, और बाद में पौधा सूखता है, मनुष्य जन्मता है छोटा, फिर बड़ा होता है, फिर मरता है। तो ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड इज कंडक्टेड बाय होम, तो बाय होम, बाय होम इज ऑल द मैकेनिज्म, बाय होम इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड कंडक्टेड। इसका मतलब समझ में आ गया है कि ये संसार का जो यंत्र है ये किसके द्वारा चालित हो रहा है, यानी ईश्वर के द्वारा चालित हो रहा है। तो बच्चों ये सीधा सा एक प्रश्न ये है, सीधी सी बात ये कि ऑफकोर्स देर आर बर्गलर्स का मतलब होता है कि निसंदेह सेंधमार होते हैं, होते हैं, लेकिन वो आपका कोई नुकसानकारी नहीं कर सकते हैं। निसंदेह सेंधमार होते हैं, बट दे आर वेरी रेयर, बट दे आर वेरी स्केयर्स, वो बहुत दुर्लभ होते हैं, वो बहुत दुर्लभ। जैसे आप जानते हो बच्चों सोना क्या है, सोना तो ठीक है लेकिन हीरा क्या है? एक दुर्लभ धातु है। तो सेंधमार होते हैं बच्चों, परंतु वे बहुत दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब यह है कि वो बहुत कम होते हैं, अब नहीं होते क्योंकि पुलिस से डरते हैं। पहले तो काफी हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है कि पुलिस का अंकुश है, व्यवस्थाएं कायम है, इसलिए अभी भी आज भी बर्गलर्स तो हैं, बट दे आर वेरी रेयर, परंतु वे बहुत कम है, परंतु दे आर फ्यू, बट दे आर फ्यू, फ्यू का मतलब कोने के बराबर है। एंड द लॉ पनिशेस देम व्हेनेवर इट कैचेस देम, और कानून उनको सजा देता है, कानून उनको दंड देता है, व्हेनेवर इट, जब भी यह है कौन कानून, व्हेनेवर इट कैचेस देम, अर्थात जब भी उनको पकड़ता है, और व्हेनेवर दे आर अरेस्टेड, और जब भी उनको गिरफ्तार किया जाता है, यह कहना अनावश्यक होगा कि पुलिस के द्वारा, व्हेनेवर दे आर अरेस्टेड, अर्थात जब भी उनको गिरफ्तार किया जाता है, दे आर पनिश्ड बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अर्थात विधि द्वारा स्थापित न्यायालय के द्वारा उनको दंडित किया जाता है। तो बच्चों इस क्रम में हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज, हमारे लिए इस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज, अर्थात हमारे लिए इस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल है। हाउ मच माने कितने, दिस सेफ्टी माने ये सुरक्षा, मीन्स का मतलब मायने रखती है। हमारे लिए इस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल है कि यह सुरक्षा हमारे लिए कितने मायने रखती है, या ये सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट, हाउ मच दिस सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस सेफ्टी, ये सेफ्टी हमारे लिए कितनी जो है मायने रखती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रियलाइज, इस बात को रियलाइज करना हमारे लिए बेहद मुश्किल है। इस बात को रियलाइज करना या इस बात का एहसास करना हमारे लिए बेहद मुश्किल है कि सुरक्षा हमारे लिए कितने मायने रखती है, विदाउट सेफ्टी यानी बिना सुरक्षा के। दोज हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड,
यानी मानव प्रजाति के वे उच्चतर कार्य या मानव मानव जाति की वे उच्चतर गतिविधियां विच मेक अप सिविलाइजेशन, जो सभ्यता को गढ़ती हैं, दैट गिव्स अ प्रॉपर शेप टू अवर सिविलाइजेशन, जो हमारी तहजीब को सही सही आकार देती है, सही सही गढ़ती है या उस सभ्यता को सही सांचे में ढालती है। तो विदाउट सेफ्टी का मतलब होता है बिना सुरक्षा के। दो आर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, अर्थात मानव जाति की वे उच्चतर गतिविधियां विच मेक अप सिविलाइजेशन, जो सभ्यता को गढ़ती है, कुड नॉट गो ऑन, कुड नॉट बी कंटिन्यू। कुड नॉट गो ऑन का मतलब कुड नॉट बी कंटिन्यूअस, अर्थात वे क्या नहीं हो सकती है, वो बदस्तूर जारी नहीं रह सकती है, वो जो है क्या नहीं रह सकती है बच्चों, वो बदस्तूर जारी नहीं रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना सुरक्षा के मानव जाति की वे उच्चतर गतिविधियां जो सभ्यता को गढ़ती हैं, वे निरंतर जारी नहीं रह सकती हैं, वे बदस्तूर जारी नहीं रह सकती हैं। द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, अगर सुरक्षा नहीं होगी तो बच्चों क्या होगा, आविष्कार करने वाला आविष्कार नहीं कर सकेगा। द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट का मतलब आविष्कार करने वाला आविष्कार नहीं कर सकेगा। बच्चों यहां कैन भी आ सकता था, लेकिन कुड क्यों आया है बच्चों? आप जानते हो कैन और कुड, कैन की वजह में अपन कुड मॉडल का प्रयोग भी करते हैं, तो साधारणतः तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बच्चों जब हम उसके अंदर रिमोट का भाव लाते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी जैसा भाव लाते हैं, तो कैन की वजह में कुड और में की वजह में माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैन की तरह ही समझें। द इन्वेंटर कांट इन्वेंट का मतलब ये होता है कि इन्वेंटर क्या नहीं कर सकेगा, आविष्कार करने वाला या जो आविष्कारक है वो आविष्कार नहीं कर सकेगा। द साइंटिस्ट फाइंड आउट, द साइंटिस्ट फाइंड आउट, द साइंटिस्ट फाइंड आउट, देखो बच्चे फाइंड आउट लिखा हुआ है, जबकि होना तो चाहिए था कि साइंटिस्ट फाइंड्स आउट, फाइंड में एस जुड़ना चाहिए था, पर क्यों नहीं जुड़ा है? क्योंकि बच्चों ये जो कुड मॉडल है, आप जानते हैं जब मैं आपको कहता हूं कि यू कैन गो, तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कहता यू कैन गोज। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें एस या एस नहीं जोड़ा जा सकता है, उसमें आई एन जी नहीं जोड़ा जा सकता है, उसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वहां पर इन्फिनेटिव यानी वर्ब के पहले टू का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, जिरंड का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। यानी मॉडल के बाद तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहते हैं, उसी का प्रयोग होता है। बात समझ में आ गई है? तो बच्चों ये जो कुड है, ये न केवल इन्वेंट के साथ, ये कुड नॉट बच्चों इसके साथ भी है, कुड नॉट फाइंड आउट, कुड नॉट फाइंड आउट के साथ भी है। इन्वेंटर कुड नॉट इन द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कारक आविष्कार नहीं कर सकेगा। द साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड आउट एंड डिस्कवर, वैज्ञानिक खोज नहीं कर सकेगा। और द आर्टिस्ट कुड नॉट, यहां भी कुड नॉट समझो, कुड नॉट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स, और जो कलाकार होगा वो सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकेगा, और कलाकार सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं कर सकेगा। हैंड्स ऑर्डर एंड सेफ्टी, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से बच्चों व्यवस्था और सुरक्षा, ऑल्दो दे आर नॉट देमसेल्फ सिविलाइजेशन, इस प्रकार से सुरक्षा और व्यवस्था, हालांकि वे अपने आप में तहजीब नहीं है। बात समझ आ रही है? मैं कहना चाहता हूं बच्चों की सुरक्षा और व्यवस्था अपने आप में सभ्यता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सभ्यता में सुरक्षा और व्यवस्था होना जरूरी है, लेकिन केवल सुरक्षा और व्यवस्था के आधार पर ही कोई तहजीब नहीं बनती है। सिर्फ सुरक्षा और व्यवस्था के आधार पर ही कोई तहजीब नहीं बनती है, उसमें और भी गुण होने चाहिए। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता, जो बच्चों सिंधु घाटी की तहजीब है, उसकी बात करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या था वहां? वहां सुरक्षा और व्यवस्था थी, और क्या था? और बच्चों वहां ये भी देखना पड़ेगा कि वहां की जो सभ्यता संस्कृति है उसका व्यवसाय क्या था। तो बच्चों कृषि आधारित नहीं, वो व्यापार वगैरह के ऊपर आधारित थी, ये भी वह विशेषता है वहां की। वहां का जो स्थापत्य है, वहां का जो आर्किटेक्चर है, वो भी नायाब था। वहां सड़कें बिल्कुल सीधी और 90 डिग्री के कोण पर, यानी समकोण के ऊपर एक दूसरे को काटा करती थी। वहां स्नानागार थे, वहां मुद्राएं थी, है ना? तो बच्चों आप, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था और सभ्यता है, जो व्यवस्था और सुरक्षा है, वह किसी भी सभ्यता का अनिवार्य गुण हो सकता है, लेकिन केवल व्यवस्था और सुरक्षा से ही कोई सभ्यता नहीं बनती है। किसी भी सभ्यता को बनने के लिए व्यवस्था और सुरक्षा के अतिरिक्त और भी कई चीजों या और भी कई कारकों या और भी कई तत्वों की दरकार होती है। क्लियर है? देखना क्या लिखा है। हैंड्स ऑर्डर एंड सेफ्टी, इस प्रकार से सुरक्षा, ओ इस प्रकार से व्यवस्था और सुरक्षा, ऑल्दो दे आर नॉट देमसेल्व्स सिविलाइजेशंस, हालांकि वे अपने आप में सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता नहीं होते हैं, आर थिंग्स
आर सच थिंग्स, अर्थात वे कुछ ऐसी चीजें हैं विदाउट विच जिनके जिनके बिना सिविलाइजेशन वुड बी इम्पॉसिबल, अर्थात जिनके बिना कोई सभ्यता बन भी नहीं सकती है। दरअसल बच्चों इस पूरी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यवस्था और सुरक्षा हालांकि अपने आप में सभ्यता नहीं है, फिर भी ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि विदाउट देयर प्रेसेंस, अर्थात उनकी मौजूदगी के बिना वी कांट इवन इमेजिन ए सिविलाइजेशन, अर्थात हम किसी सभ्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में सभ्यता जरूर नहीं है, फिर भी बच्चों ये बहुत जरूरी है, इनके बिना किसी भी सभ्यता का बनना संभव नहीं है। ठीक है, विदाउट विच यानी जिनके बिना विदाउट विच सिविलाइजेशन वुड बी इम्पोसिबल, अर्थात जिनके बिना क्या होता है बच्चों, जिनके बिना कोई भी सभ्यता कोई भी तहजीब असंभव या नामुमकिन होती है। दे आर इज नेसेसरी टू अवर सिविलाइजेशन, वे हमारी तहजीब में वे हमारी सभ्यता में उतने ही आवश्यक होते हैं। एज द एयर जितनी की वो हवा होती है, वी ब्रेद अर्थात जिससे हम सांस लेते हैं, इज टू अस वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, वो हवा हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण है अर्थात जितनी माने रखती है, उतनी ही क्या है बच्चों कि व्यवस्था और सुरक्षा भी किसी तहजीब में या किसी सभ्यता में ये दोनों गुण भी उतने ही माने रखते हैं, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव ग्रोन सो यूज्ड टू देम, एंड वी हैव ग्रोन सो मच अकस्टम्ड टू देम, और बच्चों हम उनके इतने आदी हो गए। जानते हो बच्चों मोबाइल फोन क्या है, हम मोबाइल के इतने आदी हो गए कि हम मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि 10-15 साल पहले मोबाइल का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, तब हम बिना मोबाइल के आराम से जी रहे थे, लेकिन अब हम मोबाइल के इतने अकस्टम्ड हो गए हैं अर्थात हम उसके इतने आदि या उसके हैबिचुएट हो गए हैं कि वी कांट इमेजिन अबाउट द लाइफ विदाउट मोबाइल्स, अर्थात हम मोबाइलों के बिना की जिंदगी के बारे में क्या नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां कुछ ऐसा ही समझाया गया कि दे आर इज नेसेसरी टू अवर सिविलाइजेशन इज द एयर वी ब्रीद इज टू अस, अर्थात जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो हमारे लिए जितनी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से व्यवस्था और सुरक्षा भी किसी तहजीब या किसी सभ्यता के लिए उतनी महत्वपूर्ण है। एंड वी हैव ग्रोन सो अकस्टम्ड और सो यूज्ड टू देम, और हम उनके इतने आदि हो गए हैं दैट कि वी डोंट नोटिस देम, कि हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम उसके इतने आदि हो गए हैं कि हम उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। एनी मोर देन का मतलब होता है बच्चों जिस प्रकार से वी नॉट नोटिस द एयर, जिस प्रकार से हम हवा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बच्चों एक बात बताओ, क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि हवा भी कोई चीज है? विज्ञान में तो आप पढ़ते हो, लेकिन जब चलते हो उठते हो बैठते हो तो हवा के बारे में सोचते ही नहीं हो। पर कल्पना करो कि परमात्मा की ऐसी मर्जी हो जाए कि हवा बंद हो जाए, हवा बंद हो जाए तो जिंदगी भी बंद हो जाए। पर हम इस बात की कभी कल्पना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हवा तो कभी खत्म हो नहीं सकती है। उसी प्रकार से बच्चों हम इस समाज में जी रहे हैं तो हम उस बात को नहीं देख रहे हैं, कौन सी इस समाज के अंदर बच्चों ऑर्डर है, सेफ्टी है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं जैसे हम हवा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि क्या बिना हवा के जीवन मुमकिन है? सबका जवाब होगा नो सर, नहीं है। तो बच्चों ये भी बता दूं कि विदाउट ऑर्डर एंड सेफ्टी ए गुड एंड सिविलाइज्ड लाइफ इज नॉट पॉसिबल, अर्थात ऑर्डर एंड सेफ्टी के बिना सुरक्षा और व्यवस्था के बिना एक सभ्य जीवन की हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक सभ्य जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फॉर ऑल दैट का मतलब डिस्पाइट दैट, उस सब के बावजूद, दे आर बोथ न्यू थिंग्स एंड रेयर थिंग्स, अर्थात वे जो है वे किसी बातें हैं बच्चों, वे नई बातें भी है और दुर्लभ बातें भी है। इन सब बातों के बावजूद भी क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट दे आर बोथ न्यू थिंग्स एंड रेयर थिंग्स, अर्थात वे बिल्कुल नई बातें हैं और साथ ही साथ दुर्लभ बातें हैं, एक्सेप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, यानी एक संक्षिप्त अवधि के अलावा, अंडर द रोमन एम्पायर का मतलब होता है रोमन साम्राज्य के अधीन एक छोटी सी अवधि के अलावा, देयर हैव बीन ऑर्डर एंड सेफ्टी इन यूरोप, अर्थात यूरोप जो है बच्चों उसमें ऑर्डर और सेफ्टी, अर्थात यूरोप में व्यवस्था और सुरक्षा कायम रही है ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 200 ईयर्स, अर्थात केवल विगत 200 वर्षों के दौरान ही यूरोप में ऑर्डर एंड सेफ्टी, अर्थात व्यवस्था और सुरक्षा रही है। अपवाद सिर्फ क्या है, कुछ समय के लिए जब रोमन एम्पायर बच्चों अपनी चरम सीमा पर था, जब रोमन एम्पायर मानी रोम का साम्राज्य जब अपनी चरम सीमा पर था, तो उस दौरान की कुछ अवधि को अगर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो आप यूरोप का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप ये पाएंगे कि पिछले 200 वर्षों के दौरान ही यूरोप में ऑर्डर एंड सेफ्टी रही है, बाकी इससे पहले तो ये पशुओं जैसा जीवन जी रहे थे। इसीलिए तो मैत्री शरण गुप्त ने कहा कि जब विदेशी सभ्यता का कह कह गए भी नहीं जानते, तभी हमारे पूर्वज थे वेद मंत्र बखानते,
इसका मतलब ये हुआ कि ये माना पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, किंतु उसका आदि गुरु पूर्ववृद्ध भारतवर्ष है। यानी जब विदेशी लोगों को बच्चों ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता था, ये वृक्षों की छाल से अपना तन ढक रहे थे, तब इस देश के अंदर ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी, तब इस देश में गंगा के तट पर ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, सामवेद की ऋचाओं का गायन प्रारंभ हो गया था। इसलिए बार बार मैं ये चीज कहता हूं और कहता क्या हूं, किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए कहता हूं कि दुनिया को अगर सबसे पहले तहजीब का सबक किसी ने सिखाया तो वो देश कौन सा है, वह देश बच्चों भारतवर्ष है। कौन सा देश है वह, भारतवर्ष है। आगे और देखेंगे, एनीवन ड्यूरिंग दैट टाइम, और यहां तक कि उस दौरान भी, दे हैव बीन टू रिवॉल्यूशंस, और बच्चों उस दौरान भी अर्थात ये जो 200 साल में कह रहा हूं, 200 साल कह रहा हूं, इन 200 साल में भी बच्चों दो सशक्त क्रांतियां हुई है, एंड ग्रेट मेनी वॉर्स, और कई युद्ध भी हुए हैं, कई जंगें हुई है। दस इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन दैट, दस इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट, इस प्रकार से हमारी तहजीब या हमारी जो आधुनिक सभ्यता है उसकी महान उपलब्धि है कि टुडे सिविलाइज्ड मैन शुड इन देयर ऑर्डिनरी डेली लाइव्स बी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस। कि आज कोई भी सभ्य आदमी होता है तो वह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ अर्थात अपने दैनिक जीवन में, अपना व्यावहारिक जीवन में क्या होता है बच्चों, ही इज टोटली फ्री फ्रॉम वायलेंस, अर्थात फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ वायलेंस, अर्थात वह वायलेंस के भय से, अर्थात जो हिंसा है उसके भय से वह सर्वथा मुक्त है। ये बच्चों हमारी जो वर्तमान सभ्यता है या जो हमारी वर्तमान तहजीब है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनमें से एक है। दे आर ऑल्सो लार्जली फ्री, दे आर ऑल्सो लार्जली और दे आर ऑल्सो मोस्टली फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन, अर्थात जो पेन या जो दर्द है बच्चों। दूसरी बात यह भी है कि आज हमारी सभ्यता ने क्या किया बच्चों, बड़ी बड़ी दवाओं का विकास कर लिया है, इसलिए आज हम जो पेन यानी दर्द होता है तो आप जानते हो दर्द वार पेन किलर ले लेते हैं हम, तो आज का आदमी जो दर्द का भय है उस दर्द के भय से भी क्या है अधिकांशतः मुक्त है। दे आर ऑल्सो लार्जली फ्री, अर्थात वे अधिकांशतः मुक्त हैं फ्रॉम द फियर ऑफ पेन, अर्थात वे दर्द के डर से भी अधिकांशतः मुक्त हैं। दे स्टिल फील इल, वे आज भी क्या करते हैं बच्चों, वे आज भी बीमार तो महसूस करते हैं। बट सिंस द यूज ऑफ एनेस्थेटिक्स बिकेम कॉमन, परंतु बच्चों जब से निश्चेतक दवाएं आम हुई है या जब से निश्चेतक दवाओं का इस्तेमाल या उनका प्रयोग आम या मतलब क्या कहते हैं कॉमन हुआ है, इलनेस इज नो लॉन्गर द ट्रिवियल थिंग, अर्थात बीमारी अब हमारे लिए उतनी भयानक चीज नहीं रही है। एज इट यूज टू बी, बीमारी हमारे लिए अब उतनी भयानक चीज नहीं रही है जितनी की ये हुआ करती थी। एंड पीपल आर इल, एंड पीपल आर इल, और लोग बीमार पड़ते हैं मच लेस ऑफन, अर्थात अब जो है पहले की बजाय पहले की बनिस्बत अब लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन यह भी याद रखो बच्चों, स्वस्थ होने का मतलब सभ्य होना नहीं है, क्योंकि असभ्य व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है, क्योंकि बर्बर व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। टू बी हेल्दी यानी स्वस्थ होना इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, यानी टू बी हेल्दी डज नॉट मीन टू बी सिविलाइज्ड का मतलब होता है बच्चों स्वस्थ होने का मतलब सभ्य होना नहीं है। सिवेजेज अर्थात जो असभ्य लोग हैं, जो बर्बर लोग हैं, दे आर ऑफन हेल्दी, वे भी कई बार बहुत स्वस्थ होते हैं। ऑल्दो नॉट सो ऑफन, हालांकि प्राय ऐसा नहीं होता है, इज यूजुअली सपोज, जैसा माना जाता है, जितना माना जाता है प्राय अक्सर हालांकि वैसा नहीं होता है, बट अनलेस, परंतु यदि नहीं, बट अनलेस यू हैव गुड हेल्थ, परंतु अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, यू कैन नॉट इंजॉय एनीथिंग और अचीव एनीथिंग, तो आप किसी भी चीज का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, नहीं आप किसी चीज को अर्जित कर सकते हैं। देयर हैव इट इज ट्रू, देयर हैव इट इज ट्रू, और बच्चों ये सत्य है कि देयर हैव बीन ग्रेट मैन, ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, वी हैव बीन इनवैलिड, जो क्या है बच्चों, जो खुद अशक्त थे अर्थात जो विकलांग थे, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है बच्चों, जिनका पूरा शरीर क्या अपाइज है, तो ऐसे भी लोग हुए हैं बच्चों जो शारीरिक दृष्टि से अपाइज थे, बट देयर वर्क वाज डन, लेकिन उनका कार्य किया गया इन स्पाइट ऑफ देयर इल हेल्थ, अर्थात उनकी खराब सेहत के बावजूद भी उनका काम किया गया, एंड गुड एज इट वॉज, और बच्चों काफी अच्छा किया गया। लेकिन साथ में बात यह भी है, इट वुड हैव बीन बेटर हैड दे बीन वेल, अगर वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होते तो ये काम और ज्यादा अच्छा हो सकता था। एक बार अमिताभ से किसी साक्षात्कार में किसी ने पूछा कि आपने ये बताइए कि अभिनय के क्षेत्र में कौन सी डिग्री ली हुई है, तो अमिताभ का ये कहना था कि अभिनय के क्षेत्र में उनके पास में कोई खास डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माना, इस बात को स्वीकार किया कि काश अगर उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में कोई डिग्री या कोई उपाधि ली होती तो वो इससे भी बेहतर करते। हालांकि उनके अभिनय में किसी प्रकार की हम कोई कमी देखते नहीं है, परंतु फिर भी वो कहते हैं कि अगर उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया होता तो कदाचित उनका जो अभिनय है वो इससे भी बेहतर हो सकता था। तो बच्चों प्रशिक्षण की तो बात ही और है। नॉट ओनली डू मैन एंड वीमेन इंजॉय बेटर हेल्थ, न केवल बच्चों स्त्री पुरुष अच्छी सेहत का लाभ उठाते हैं। नॉट ओनली डू मैन एंड वुमेन, बच्चों ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस को शुद्ध करो, मैन एंड वीमेन नॉट ओनली इंजॉय बेटर हेल्थ, अर्थात स्त्री पुरुष न केवल अच्छी सेहत का आनंद लेते हैं बट बल्कि दे लिव लॉन्गर देन दे एवर डिड बिफोर, अर्थात आज भी बच्चों अधिक जीते हैं बजाय जितना वो पहले जिया करते थे, यानी जितना वो पहले जीवन या जीवन जिया करते थे उससे ज्यादा जीते हैं। यानी पहले लोग क्या 60-70 साल की उम्र में मर जाते थे, आज बच्चों थोड़ा और भी ज्यादा पार होने लगा टाइम, क्योंकि बीमारियों का इलाज हमारे पास में आ गया है।
उसी प्रकार से बच्चों एंड दे हैव ए मच बेटर चांस ऑफ ग्रोइंग अप, और बच्चों उनके पास भी क्या होता है, दे हैव मच बेटर चांस ऑफ बीइंग अडल्ट, और उनके वयस्क बनने की संभावना, उनके वयस्क बनने के अवसर जो है बच्चों वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो इस तरह से आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में।